ॐ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक राजातिराजा योगिराजा परं ब्रह्म सच्चिदानन्द समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरु बाबा साई वो श्री सद्गुरु बाबा साई वो तुझवा चुनिया श्रय नाही भूतली तुझवा चुनिया श्रय नाही भूतली। मी पापी पतित धी मंदा हो मी पापी पतित धी मंदा तारणे मला गुरुना दा जडकरी तारणे मला साईनादा जडकरी। तू शांति क्षमेचा मेरू हो तू शांति क्षमेचा मेरू तुम्ही बावार नबीचे तारू गुरुवरा गुरुवरा मजसे पामरा आता उद्धरा त्वरितला वला परितल वलाही। मी बुडतो भव भय डोली उद्धरम श्री सद्गुरु बाबा साई वो श्री सद्गुरु बाबा साई तुम वाचनिया श्रय नाही भूतली। मैं इस समर्थ सद्गुरु साईनाथ का वंदना करते हुए सभी साई भक्तों को प्रणाम करती हूँ और दूसरा लीला का ओर आप सभी लोगों को ले चलती हूँ। ये लीला कर्नूल निवासी परम भक्त वीरभद्रप्पा जी का है, उन्हीं बातों में सुनिए। मेरा नाम वीरभद्रप्पा है, कर्नूल में रहता हूँ। वहाँ का द्वारका माई बाबा मंदिर में सब समय जाता रहता हूँ। मैं 11 बार बाबा का माला धारण करके शिरडी जाके बाबा का दर्शन करके आया हूँ। अब लीला सुनिए। 2006 दिसंबर 24 को मेरा गुरु जी का साथ मैं शिरडी गया था। समाधि मंदिर में बाबा का दर्शन किया। उस समय हमारा गुरु जी मुझे बोला कि बाबा का निज समाधि भूगृह में है। मैंने गुरु जी से पूछा, हम देख सकेंगे? वो बोला, नहीं, समाधि मंदिर पुजारी लोग जाता है, पूजा करके आता है और कोई जा नहीं सकता। फिर मैं गुरुजी से पूछा, गुरुजी हम काकड़ आरती के लिए जाएंगे? फिर गुरुजी ने बोला, नहीं जा सकता, हमारा पास टिकट भी नहीं है एंड समय भी नहीं है। ऐसा बोल के वो सो गया। ठीक 12 बजे एक आदमी आया हमारा रूम। मैं पूछा, आप कौन है? वो बोला, आपके लिए मैं काकड़ा आरती टिकट लेके आया हूँ बोला। ये बात सुन के मैं बहुत खुश हुआ। बस हम थोड़ा सो गया और उठ के काकड़ा आरती के लिए तैयारी करना था। तो मैं एक इसका अंदर में मैं एक सपने देखा। उसमें समाधि मंदिर में एक आदमी सफेद कपड़ा पहन के मुझे पूछा कि इधर नीचे बाबा का निज समाधि है, तुम देखेगा क्या? बस मैं आश्चर्य हो गया, बोला, हाँ देखेगा, आप ले जाने से मैं जरूर आपका साथ जाके देखेगा, मुझे देखने का बहुत इच्छा भी है। तो वो मुझे बाबा का निज समाधि दर्शन कराया। स्वप्न में भी सही मैं निज समाधि का दर्शन किया। अब मुझे काकड़ा आरती का दर्शन हुआ, बाबा का निज समाधि दर्शन भी हुआ। अब आप ही लोग सोच लीजिए, बाबा से मेरे को कितना विश्वास होना चाहिए। इसीलिए जो भी मांगने से बाबा का समक्ष में पूर्ण होता है, इसीलिए मुझको बाबा से बहुत प्यार है और बहुत विश्वास भी है। बस इसी में मेरा हर समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसा लीला अनेक लीला सुनने के लिए आप sailila.com में जाइए, आपको बहुत लीला वहां पर मिलेगा। सर्वम साईनाथ अर्पणमस्तु।